नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स। दोस्तों, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने यूडिन की डेट को 15 दिन से बढ़ा करके 60 दिन कर दिया है। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करते वक्त उस पर यूडिन लिखना अनिवार्य है और उस यूडिन को लिखने की जो समय अवधि 15 दिन की है उस समय अवधि को बढ़ा करके अब 60 दिन कर दिया है। मतलब एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करेगा तो उसे 15 दिन के बजाय अब 60 दिन के भीतर यूडिन जनरेट करना अनिवार्य होगा। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आ जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी सेंट्रल काउंसिल मेंबर धीरज खंडेलवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग की 45वीं मीटिंग चल रही थी और वहां पर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उन अहम फैसलों में क्या क्या आया है, कौन कौन से मुद्दों को पास किया गया है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, उसके लिए हम आपके साथ अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बनेंगे जो बैठ करके उन सभी मुद्दों पर आपके साथ बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ लगातार ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।